नेपाल के बालन शाह का एक ट्वीट जो कि भारतीय मीडिया के अंदर जमकर वायरल हो रहा है। इसके साथ साथ नेपाल के अंदर भी बालन शाह को फैन फॉलोइंग इस ट्वीट को वायरल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। दिन प्रतिदिन एक नया ट्वीट, एक नया बयान बालन शाह के मुंह से सुनने को मिल रहा है। कहीं न कहीं बालन शाह शायद नाराज हैं इस सिस्टम से और इस सरकार से, या फिर हम कहें कि कोर्ट तक उन्होंने यहाँ पे कमिटमेंट कर दिया है, जो कि उससे भी बड़ी बात हो जाती है। एक्चुअल में ये जो नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं उसका एकमात्र रीज़न हम कह सकते हैं बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की फिल्में और ये शुरू होने की घटनाएं हम कह सकते हैं आदि पुरुष। तो अब यहाँ पे जो ट्वीट वायरल हो रहा है वो अब कोई रिलेट नहीं करता आदि पुरुष से, वो अलग ही मैटर छिड़ चुका है, ऐसे कह सकते हैं। एक मूवी ने एक ऐसे कह सकते हैं कि तिल्ली जो लगाई जाती है आग की, उसका काम किया और उसके बाद मुद्दा बढ़ता गया और अब ये रुकने का नाम भी नहीं ले रहा है। इसी के बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पता है कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री यानी कि पुष्प कमल दहल प्रचंड पिछले कुछ दिनों पहले भारत के अंदर यात्रा करने गए थे, उनके ऊपर भी जब वो वापस लौट कर आए, जब कुछ ऐसे फैसले ले लिए गए जिसके ऊपर लगभग पब्लिक नाराज थी, भैंसों को मीम के द्वारा वायरल किया जा रहा था कि गए थे दिल्ली में अपना एरिया वापस लाने और लेकर आए हैं भैंस वापस, आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ पे ट्रोल किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल को। और इसी के बीच अब यहाँ पे एक बयान जो निकल कर सामने आया प्रचंड का, उसके बाद से बालन शाह ने ट्वीट किया और ये ट्वीट इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। ये जो विवाद यहाँ पे था उसके अंदर बालन शाह अपने ट्विटर हैंडल से लिखते हैं कि हमें प्रचंड की बजाय प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने वाले संसदों पर संदेह हो रहा है, या फिर हम कहें कि उन पर संदेह था। अब ये बहुत बड़ी बात कह दी है कि प्रचंड प्रधानमंत्री हैं, ये बड़ी बात नहीं है, उनको जो बनाने वाले सांसद हैं वो बहुत बड़ी बात है। एक्चुअल में वो मानते हैं कि जो प्रचंड हैं उनसे ज़्यादा उनके जो सांसद हैं वो दिल्ली के फेवर में ज़्यादा बोलते हैं, वो हर एक डिसीजन भारत के फेवर में ज़्यादा लेते हैं, और जो कि बालन शाह कहते हैं कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमारे देश के लिए सोचा जाए, हमारे देश के लिए डिसीजन लिया जाए, दिल्ली जैसा कहेगी वैसा अगर सांसद बोलेंगे तो प्राइम मिनिस्टर को करना भी पड़ेगा ऐसा काम, वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। सरकार में दिल्ली के आदेश का पालन करने वाले सांसदों की बहुमत बताया गया है, यानी कि ये जो बहुमत है वही कहीं ना कहीं दिक्कत का सबब बना हुआ है बालन शाह के लिए। ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपके पास 100 सांसद हैं तो उसमें से 60 से ऊपर सांसद तो आपके ये हैं कि जो दिल्ली के फेवर में बोलते हैं, जो कि बिल्कुल भी रास नहीं आया यहाँ पे बालन शाह को। वो आगे लिखते हैं कि भारतीय गुलाम देश चला रहे हैं और मैं ही इसके खिलाफ हूँ, यानी कि वो इसके ऊपर बकड़ा निशाना साधते हुए सांसदों को कहना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहते हैं कि ये लोग भारत के गुलाम हो चुके हैं और इनको जनता ने सत्ता भी दे दी है, तो जो नेपाल देश हमेशा से कहीं ना कहीं स्वतंत्र नेपाल देश है उसको चलाने की डोर गुलाम लोगों को कैसे दी जा सकती है, वो लोग क्यों चलाएं जो कि गुलाम हैं इंडियन गवर्नमेंट के, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे बवाल मचकर खड़ा हो गया इंडियन मीडिया के अंदर। वैसे देखा जाए तो इंडियन मीडिया के अंदर खुशी भी है इस बात की कि खुद नेपाल के लोग ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल है वो इंडियन यहाँ पे गवर्नमेंट के गुलामी में काम कर रही है, और ये जो लाइन है वही सबसे बड़ी चिंता का विषय या फिर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। इसके साथ साथ उन्होंने अदालत को भी टारगेट किया है, क्या अदालत की अवमानना करने वाला मैं अकेला हूँ, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है पूरे देश से, क्या सभी मर चुके हैं, यानी कि क्या सभी सब हैं, क्या कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता इस सिस्टम के खिलाफ, ये भी बालन शाह कहते हैं। और ये जो यहाँ पे नीचे एक वर्ड यूज़ किया गया है कि क्या सभी सब हैं यानी कि क्या सभी मर चुके हैं,
वो कहीं न कहीं बहुत बड़ा निशाना साधने की कोशिश की गई है हर एक उस नेता के ऊपर, हर एक उस पब्लिक के ऊपर जो कि रिस्पॉन्सिबल है नेपाल को चलाने में, जो कि रिस्पॉन्सिबल है अपने देश के प्रति हम कहें कि पैट्रियोटिक भावना रखने के लिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, और अगर ये जो ट्वीट है वो जितना ज़्यादा वायरल होगा, लोगों के तक पहुँचेगा, तो उसके अंदर एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होगी जो कि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आए। दोस्तों आपका क्या मानना है इसके बारे में, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए दिन रखते आगे कोई नया अपडेट, फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।